नमस्ते फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम आप सभी को। गौरव तो रेडी हो गया है नहा धो के और कान्हा जी को भोग भी लगा रहा है। हम रगड़ो फायर करने में लगे हुए हैं। वेस्ट इंडीज, ये वेस्ट इंडीज देखो व्यू। रंग निकालने के लिए खुद को इतना रगड़ना पड़ता है ना, शायद इसीलिए ही बहुत लोगों को होली खेलना पसंद नहीं है। बहुत ज्यादा सोप लगाने से अच्छा है हम लगा रहे हैं। मैं हाथ सब क्या लगा तुम लोग? इसे कलर निकल जाता है क्या? गौरव तेरा तो कलर ही उतर गया पूरा, थोड़ा लगा हुआ है थोड़ा। गौरव भी आ गया है हमारी मदद करने और बताने कि कहाँ कहाँ रंग बचे हुए। मिरर नहीं है ना हमारे पास, वो बताते जा रहे हैं। हमारे स्नान के बाद आई कान्हा जी की बारी। अब कान्हा जी को न्यू ड्रेस पहनानी है, नए वस्त्र पहनाएंगे उनको नहलाकर। ये मैं लाई थी उनके लिए धोती कुर्ता और जैकेट, और उसके साथ ये मैचिंग मुकुट भी। लड्डू गोपाल बहुत ही छोटे हैं, मुझे श्योर नहीं है कि उनको कैसे फिट बैठेगा। क्या आपने कभी कान्हा जी को इस तरह से तैयार किया है? जरा एक्सपीरियंस करिए, एकदम अलग सा ही लगेगा। कान्हा जी को ड्रेस पहना ली है, पर बहुत तो छोटे से है ना, इसके लिए ये बहुत भारी दिख रही है उनपे। राघव ने कहा इनके लिए एक एसी भी मंगवा लो। इसके लिए मैंने इनसे जैकेट डिटैच कर लिया है और सिर्फ धोती कुर्ता पहना है। व्हाइट मेरा भी फेवरेट कलर है। छोटे से लड्डू गोपाल व्हाइट में कितने सुंदर दिख रहे हैं, है ना। अब इन पे मुकुट चढ़ाने की मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो भी फिट नहीं हो रहा था। मैं गम लगाना बिल्कुल पसंद नहीं करती और कई बार तो उन्हें ऐसे ही रिलैक्स रखती हूँ। ये हो गए हमारे नन्नू कान्हा जी तैयार, कितने प्यारे लग रहे हैं। हेलो, हम सब आ जाना। यार हम सब वेस्ट इंडीज से अभी अमेरिकन हो गए फिर से। इंडियन से नहीं यार, साफ तो हो गए। गौरव को तो देखा था हमने। राघोबा को भी ऑरेंज लगानी पड़ेगी, मेरा सब उतर गया भाई। मैं साबुन लगाया, साल भर की कसर निकाली होली की। लिप्स पे भी साफ किया मैंने। अभी सीधा नेक्स्ट ईयर आएगी होली। किसने बोला? ऐसे ही हंसते खेलते लंच खाकर शाम हो गई, पर इन बच्चों का अभी तक पेट नहीं भरा था होली खेलने से। नहाने के बाद फिर से होली। अगर इन्हें अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं किया तो फिर से होली खेलनी पड़ेगी, रंगों से भी और पानी से भी। बन कहीं लेके जाना पड़ेगा या कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। अभी और क्या खाना है? गोला। चलो बर्फ का गोला खाते हैं। होली का सेकेंड हाफ मनाने हम सारे चले। अब हम निकले हैं ऐसी जगह जाने के लिए जहाँ सिर्फ बच्चों को ही नहीं हम बड़ों को भी बहुत मजा आता है। आज आसमान में भी रंग लगा हुआ है।
ऑरेंज तो देने जो देख हल्का पर्पल ग्रे व्हाइट देखो दिखेगा ऐसे दिख रहा है अब तक तो आप समझ गए होंगे कि हम गौशाला पहुंच गए हैं। ये हमारे विश्वनिधि की सबसे बड़ी गौशाला है और यहाँ पे कम से कम 2 से 3 हजार गाउज हैं। पर ये सबसे बड़ी गौशाला है हमारे एरिया की। यहाँ पर हमने नेचर के बहुत ब्यूटीफुल फॉर्म्स देखे, कभी छोटी छोटी गाय देखी, बहुत बड़ी गाय देखी, लेकिन अब जो इसके बाद हमने देखा उससे तो हमारे होश उड़ गए। गलत टाइम पे आया गौशाला में। शिफ्टिंग हमेशा होती रहती है। शिफ्टिंग होती रहती है। क्लीनिंग कर देना बेटा। ऐसा टाइम नहीं होता है। एक सेक्शन क्लीन हो जाता है फिर दूसरे को लगता है। बड़ा काम है भाई। पीछे पड़ा है इनको खिला दो ना। पीछे पड़ा है। मैंने ही रखा है। खिला दो दीपा, इनको बहुत भूख है। अरे तुम्हारे पीछे जो है ये देखो इनको। कुछ देर के लिए तो लगा जैसे वृंदावन में पहुंच गए हो, जहां सिर्फ परिसर में गाय ही गाय है। मजा तो आ रहा था पर डर भी बहुत लग रहा था। गौशाला के दर्शन हो गए, आज तो गायों का मेला देख लिया। मजे के साथ तो बहुत डर लग रहा था। गौरी कितना डर लग रहा था, जैसे लग रहा था आज तो एक दो गाय तो मार दे, चोट आज तो चोट ही लग जाती है हमको। मैं तो बहुत डर गई थी यार, लेकिन बिल्ली आपको डर नहीं लगा था? इतनी सारी गौ मैया देख के मैं तो खुद डर गया बहुत एकदम से। लगता है ये पहले से बढ़ गई है, पहले 2000 होती थी, इस बार ज्यादा लग रही थी। पर ज्यादा भी थी और बहुत बड़ी, बहुत बहुत बड़ी बड़ी गाय है ना, ऐसे भागते हुए आ रही थी ना, डर लग रहा था। तो बंद आई हो भैया, बोर्ड वोट भी नहीं लगाते कौन सी। हाँ दे 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 दे, खाओ ये है मेदू वड़ा सैंडविच। A beautiful sight of the moon made our day complete. ये दिन खत्म हुआ ये सुंदर चंद्र दर्शन के बाद। रघु आप नहीं खा रहे हो? बहुत ठंडा है यार, फ्रीजर में रखा रहा हूँ। हो गया ना कुल्फी जैसे बनने वाला, देखो कुल्फी जैसा है ना, देखो कुल्फी बन गई है ना। पहले आप अच्छा लगा, सच्ची बताओ लघु आप खोलो। सुबह से जब से मैंने कुल्फी बनाई तब से वेट कर रही थी इस मोमेंट का कि ये खोलें और खा के देखें कि इनको पसंद आई कि नहीं। अगर अच्छी लगी तो समझो मेहनत सफल। ये उतर ही नहीं है। हाँ होगा धीरे धीरे, कुल्फी है ना। हाँ ऐसे क्या हुआ?
भाई ये रेसिपी की तो बिग थम्स अप मिल गया। अब ये डिजर्ट आप घर पे भी ट्राई करिए और जरूर बना के मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इसी के साथ खत्म होता है मेरा होली व्लॉग। व्लॉग बहुत लंबा था, इसके लिए मुझे एडिट करने में बहुत समय लग गया, शायद आपको देर से मिले, पर पसंद आया कि नहीं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जयराम जी की। That I had been searching so long, no time was wasted. What are we waiting for?